प्रिंस वेलकम बैक। तीन सर्किट्स ऑलरेडी ओवर हो गई है। पहली क्या थी? स्टार्टिंग सर्किट ऑफ डीसी मोटर, देन रिवर्सिंग सर्किट ऑफ डीसी मोटर, देन आर्मेचर एक्सेलरेशन कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। दिस इज द फोर्थ सर्किट, दैट इज डायनामिक ब्रेकिंग ऑफ अ डीसी मोटर। तो डायनामिक ब्रेकिंग का कंसेप्ट आप जानते हो। डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि हम सप्लाई से डिसकनेक्ट करके आर्मेचर को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण आर्मेचर क्या करता है, रोटेशन करता है और सारा एनर्जी डेसिपेट कर देता है उस रेजिस्टेंस में, है ना। इट एक्ट्स लाइक अ जनरेटर गिविंग ऑल द एनर्जी टू दिस रेजिस्टेंस। सो हियर यू कैन सी आरएस इज गिवन टू यू, आरएस इज मेंट टू डेसिपेट ऑल दिस एनर्जी दिस मोटर इज हैविंग। ओके, सो आरएस इज यूज फॉर डायनेमिक ब्रेकिंग। सो डायनेमिक ब्रेकिंग इज नथिंग बट इंट्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टेंस in order to break the circuit, in order to stop the rotation of the motor. So this is the circuit. Let us see how it works. As usual, एक यहाँ पर पहले जैसे हम जानते हैं एक start push button है, एक stop push button है, and then you are having the normally contacts, normally open contacts, operating coils. I've already explained this to you. यहाँ पर एक normally close button भी रखा गया है, M1। ये आप देख सकते हो M1। M1 क्या है? एक नॉर्मली क्लोज्ड बटन है ना, कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है, यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है। एज यूजुअल हम इसको प्रेस करेंगे स्टार्ट पुश बटन को, तो ये नॉर्मली ओपन थी, अब ये नॉर्मली क्लोज हो जाएंगी, उसके कारण M जो है आपका ऑपरेटिंग कॉइल ये एनर्जाइज हो जाएगा। M एनर्जाइज होगा तो इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से, MNO, यहाँ पे भी MNO, तो ये दोनों भी कॉन्टैक्ट्स ने क्लोज हो जाना चाहिए। बट ये M1 तो नॉर्मली क्लोज है ना, तो इसके ऑपरेटिंग कॉइल के एनर्जाइज होने पर ये तो ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज था ना पहले से, तो अब ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा मतलब क्या होगा, आपका कनेक्शन यहाँ से फिनिश नहीं होगा, ठीक है, यानी आपका कनेक्शन इस तरीके से रहेगा। ओके, सो डायरेक्शन विल रिमेन दिस थ्रू आउट दिस लाइन, ओके, एंड दिस पाथ इज केप्ट ओपन, सो नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस, करेक्ट। बट कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं स्टॉप पुश बटन को, तो आपका कॉइल जो है डी एनर्जाइज हो जाएगा। डी एनर्जाइज होने पर क्या होगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, लेकिन ये तो नॉर्मली क्लोज था, है ना, तो ये ओपन नहीं होते हुए ये क्लोज्ड रहेगा। तो लेकिन मोटर तो रोटेट हो रहा था, मोटर रोटेट हो रहा है तो पाथ वो ऐसे कंप्लीट करेगा और रेजिस्टेंस में सारा एनर्जी डेसिपेट करके खुद स्टॉप हो जाएगा। सो लेट अस सी, पहले क्या करेंगे, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये हो गया प्रेस, M ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएंगी, उसके कारण M नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, ऊपर वाला M नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, डायरेक्शन ऐसी बन जाएगी। अब ऐसे आपका पाथ कंप्लीट हो रहा है, देन M नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा, इसके कारण आप ये M1 जो नॉर्मली क्लोज था अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे मोटर ने रोटेट करना शुरू किया, मोटर तो रोटेट होते रहेगी, बट मीनवाइल अगर आपने ये स्टॉप पुश बटन प्रेस कर दिया तो ये तो रिलीज हो गया, रिलीज हो गया तो पाथ इनकम्प्लीट हो गया, अभी यहाँ पे ओपन हो गया तो डायरेक्शन सारी चेंज हो जाएंगी, देर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट बिकॉज ऑफ द ओपन कॉन्टैक्ट। नाउ एज सून एज दिस ओपन, ये एनर्जाइज कॉइल जो है ये डी एनर्जाइज हो जाएंगी, M ऑपरेटिंग कॉइल जो एनर्जाइज थी पहले अब वो डी एनर्जाइज हो जाएंगी, तो उसके कारण नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट तो नॉर्मली ओपन ही रहेंगे लेकिन क्लोज वाला तो क्लोज हो जाएगा। अब ये जो मोटर है अपनी एनर्जी डेसिपेट करेंगी थ्रू आउट दिस रेजिस्टर, तो ये एनर्जी अपनी पूरी डेसिपेट कर देंगी RS में। सो ऐसे करके यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और आपकी मोटर स्टॉप हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायनामिक ब्रेकिंग।